प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय एक वचन चार से लेकर नौ तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी रखेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है, परमेश्वर की कृपा हो चुकी है। परमेश्वर तुमसे तुम्हें कुछ देता है और तुम्हें अपनाता है, और कैसा अपनाता है? अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारा स्वीकार किया है, परमेश्वर ने तुमको ग्रहण किया है, परमेश्वर ने तुमको अपनाया है और परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करता है अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसको स्वर्ग से भेजा गया और वो इसीलिए संसार में आया कि पूरी मानवता जो है वो पाप से मुक्त हो जाए, पूरी मानवता जो है वो पाप के दंड से बचे। हम पाप तो करते हैं, पाप तो होता है, लेकिन पाप के दंड से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले भेजा। हालेलुया। और वो किसी बड़े देश में नहीं आया। दुनिया में बड़े देश कौन से हैं हम जानते हैं, अमेरिका है, रूस, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, एक भी बड़े देश में यीशु नहीं आया। एक छोटे से देश में आया जिसको आज हम इसराइल कहते, पैलेस्टाइन कहते, एक छोटे से देश में यीशु मसीह ने जन्म लिया और वो देश दुनिया के मध्य भाग में है, इट इज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और वहां उसने जन्म लिया, वहां वो रहा और वहां उसने अपना बलिदान जो है पूरी मानवता के लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर कहते हैं हम, जिंदा परमेश्वर, उसने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि पूरी मानवता जो है पाप के दंड से मुक्त हो जाए। कैसी मुक्त हो जाती है हम, मानवता कैसी मुक्त हो जाती है? कि मानवता को जो दंड होना चाहिए वो दंड यीशु मसीह ने अपने बदन पे लिया, अपने शरीर पे लिया। वो अपने खुद के पाप के लिए नहीं मरा, वो हमारे पापों के लिए मरा। उसने जो मार पीट अपने शरीर पर ली उसके खुद के पाप के लिए नहीं, वो हमारे पापों के लिए मरा। वो खुद निष्पाप था, पाप रहित था, उसमें पाप नहीं था, लेकिन हमारे पापों के लिए उसने अपने शरीर पर दंड मारपीट ली है, उसने अपने जान क्रूस पर दी है ताकि हमें पापों का दंड न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं पाप करता हूं तो भी मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, इसका कारण मेरे पापों का दंड जो है प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। ये दुनिया में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पापों का दंड जो है यीशु मसीह ने लिया है, उनको पापों की क्षमा मिल चुकी है, वो स्वर्ग में सीधे चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको हम सुसमाचार कहते हैं, इसलिए उसको हम गुड न्यूज कहते हैं,
गुड न्यूज यानी सुसमाचार यही है कि मनुष्यों के पापों का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने बदन पे लिया है, अपने शरीर पे लिया है, और हमारे पापों के लिए वो खुद मर चुका है। इसलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हो चुका है, और वो जो अनुग्रह हुआ है वो अनुग्रह परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे ऊपर किया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरित पौलुस ये भी बता रहा है कि मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि आपकी आपकी तरक्की हो रही है, आपका विकास हो रहा है, आप बढ़ रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, आपको वचन मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ज्ञान दो तरह का होता है, ज्ञान संसार का ज्ञान है, ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। संसार का ज्ञान एक तरफ, परमेश्वर का ज्ञान अलग। परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर के जीवन के बारे में बताना, परमेश्वर के कानूनों के बारे में बताना, इसको हम परमेश्वर का ज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में बताया जाए डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान। और दुनिया का ज्ञान हम कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं भी कॉलेज में सिखाता था, मेरे सामने 100 लड़के बैठते थे, मैं उनको अकाउंटेंसी सिखाता था। लेकिन मैं आज आपके सामने अकाउंटेंसी सिखाने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं आज आपके सामने परमेश्वर का ज्ञान सिखाने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब कॉलेज में सिखाता था, मैं लड़कों को स्वर्ग के बारे में कुछ बताता नहीं था, मैं लड़कों को पाप के बारे में कुछ बताता नहीं था, मैं लड़कों को आखिरी इंसाफ के बारे में कुछ बताता नहीं था, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं था। मैं लड़कों को अकाउंट्स कैसे बनाने के वो सिखाता था, वो दुनिया का ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जो है वो कौन सा है, सुनो, परमेश्वर के ज्ञान के विषय कौन से है, कॉलेज के ज्ञान में कौन से विषय रहते हैं मैं पहले बताता हूँ, ये दुनिया के ज्ञान में कौन से विषय रहते हैं मैं पहले बताता हूँ। देर आर थ्री स्ट्रीम्स फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। आर्ट्स में जाने वाले लड़के हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिलोसॉफी पढ़ते हैं, और कुछ कोई सब्जेक्ट है। साइंस में जाने वाले लड़के फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, और कैसे और कौन से सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं साइंस में जाने वाले लड़के। और कॉमर्स में जाने वाले लड़के अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट कॉमर्स वाले पढ़ते हैं। ये हो गए दुनिया के विषय। अभी परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सोचो, हम यहाँ पाप के बारे में पढ़ते हैं। पाप, व्हाट इज सिन, पाप क्या है, हालेलुया। फिर हम यहाँ क्षमा के बारे में पढ़ते हैं, क्षमा दूसरों को करना, क्षमा परमेश्वर से मांगना, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं, प्रार्थना कैसी करनी। हम यहाँ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देने के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ परमेश्वर की स्तुति के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ सीखते हैं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। हम यहाँ सीखते हैं कि दुनिया की निर्मिति कैसी हो गई, हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। हम यहाँ पढ़ते हैं कि दुनिया को जो, दुनिया का जो आखिरी दिन है वहाँ इंसाफ होने वाला है, पूरी दुनिया परमेश्वर के सामने बैठी खड़ी की जाएगी, और परमेश्वर दुनिया का इंसाफ करने वाला है, वो दिन कैसा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, मनुष्य से परमेश्वर क्या चाहता है, प्यार करना चाहता है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दूसरे का बदला मत लीजिए, सबको क्षमा करो। परमेश्वर के कानून क्या है, ये सब जो है डिवाइन विजडम, ईश्वरीय ज्ञान के विषय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कॉलेज के विषय कौन से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सो ऑन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस बता रहा है तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हो, तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हो।
तुम्हें दिन दिन ज्यादा जानकारी हो रही है पाप क्या है, स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, क्षमा कैसी करनी, क्षमा कैसी मांगने की, प्रार्थना कैसी करने की, ये सब तुम ज्यादा ज्यादा सीख रहे हो, तुम्हारी जानकारी बढ़ रही है, तुम्हारा ज्ञान बढ़ रहा है, इसीलिए मुझे आनंद हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोगों ने केवल यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने के बाद तुम यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हो, तुम परमेश्वर का ज्ञान ले रहे हो, इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। पौलुस कह रहा है, प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए मुझे आनंद हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हें परमेश्वर संभालेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर तुम्हें संभालेगा इस बुरी दुनिया में, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। दुनिया बुरी है हम जानते हैं, दुनिया की आदतें बुरी है हम जानते हैं, दुनिया की चलना बुरा है हम जानते हैं, दुनिया दुष्ट है हम जानते हैं, लेकिन इस दुष्ट दुनिया में परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई जगह पानी नहीं मिल रहा है, परमेश्वर तुम्हें पानी देगा। कई जगह खाने को नहीं मिल रहा है, परमेश्वर तुम्हें खाने को देगा। कई जगह रोजगार काम नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार है, परमेश्वर तुम्हें काम देगा। कई जगह लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, परमेश्वर तुम्हें मकान देगा। इस दुष्ट दुनिया में तुम्हारी जरूरतें क्या है परमेश्वर जानता है, और वो जरूर तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या मनुष्य बीमारी से परेशान नहीं है? है। संसार में मनुष्य बीमारी से परेशान है, लेकिन यदि आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया है तो परमेश्वर आपको बीमारी से भी बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप जैसे बैठे हैं यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए, वैसा मैं 25 साल पहले बैठा था। 25 साल पहले 26 जनवरी 1985 को मैं मेरे जीवन में पहली बार प्रार्थना सभा को गया था। 26 जनवरी 1985 को मैं आप जैसे बैठा था। इतनी बड़ी प्रार्थना सभा नहीं थी, केवल 12 लोग आए थे, और मुझे खबर भी नहीं थी कि वो प्रार्थना सभा है। मुझे लगा मीटिंग है, मुझे मीटिंग अच्छी लगती थी इसलिए मैं मीटिंग को गया। बाद में मुझे मालूम हो गया वो प्रेयर मीटिंग थी, प्रार्थना सभा थी। 26 जनवरी 1985, अभी 26 जनवरी 2010 आएगा, 25 साल पहले मैं यीशु मसीह के पास आया। और 25 सालों में, मैं कभी कभी बोलता हूँ 40 साल में मैंने 1,000 रुपये का दवा नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। गए 40 साल में मैंने 1,000 रुपये का दवा नहीं किया है, क्या हो गया? परमेश्वर ने मुझे संभाला। हालेलुया। मैं स्कूटर चलाता था, मेरी दुर्घटना हो जाती थी। अंग्रेजी में एक्सीडेंट कहते हैं, एक्सीडेंट। आजकल लोग दुर्घटना नहीं समझेंगे लेकिन एक्सीडेंट समझेंगे। मैं स्कूटर चलाता था, मेरे एक्सीडेंट हो जाता था। 37 टाइम्स आई मेड एन एक्सीडेंट, 37 बार मैं दुर्घटना में गिरा था। कभी गिर गया, अरे ये तो 26 बार हो गया। मैं गिनता था कितने बार गिर गया। मोटरसाइकिल से मैं गिरता था, कभी किसी की टक्कर हो जाती थी। 36 बार में से हो सकता है 5-6 बार मेरी गलती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो भी मैं आज दौड़ सकता हूँ, खड़ा रह सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, आई मूव माई बॉडी फ्रीली। क्यों? उसने मुझे संभाला, उसने मुझे संभाला। यीशु मसीह का स्वीकार करने के बाद मेरी पूरी जिम्मेदारी उसने ले ली है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के गोद में जाते हो, आपकी पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर पिता लेता है, क्योंकि आपके हाथ से जो कोई पाप हो जाते हैं, परमेश्वर पिता आपको माफ कर देता है, क्षमा करता है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस बता रहा है कि आपने यीशु का स्वीकार किया, आपके ऊपर परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो गया, कृपा हो गई। दूसरी बात वो बता रहा है कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं,
आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, आपका विकास हो रहा है, ये देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। तीसरी बात वो बता रहा है कि परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, ओ सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत वचन है, इतना खूबसूरत वचन है, परमेश्वर आपको जरूर संभालेगा। हालेलुया। और मैं बताता चाहता हूं कि आप हमें संभालने की जरूरत है। जब एक नाव समुद्र में जाती है तो तूफान आता है और ऐसा ऐसा करता है, उसको लगता है डूब जाएगी, बराबर। दुनिया में हमारी हालत आज ऐसी हुई है, आप कहाँ जा रहे हैं काम के लिए, इतने में सामने से मोर्चा आता है और पुलिस भी मारते हैं, आपको भी लगता है अरे भाई साहब मैं तो मोर्चा में नहीं था, लेकिन आप वहां से जा रहे थे ना, पुलिस को लगा आप भी मोर्चा में है, पुलिस को क्या मालूम आप मोर्चा में नहीं है, पुलिस उनको भी मारता है आपको भी मारता है, अरे क्या गलती की मैंने, मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे काम के लिए जा था, लेकिन सामने से मोर्चा आ गया, पुलिस ने मार गया, आपका भी फटका लग गया। दुनिया में यदि परमेश्वर हमको नहीं संभालेगा तो हम कैसे जिएंगे, बताइए मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर यदि हमें नहीं संभालेगा इस दुनिया में हम एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर हमें संभालता है, और जब जब आप यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के गोद में जाते हैं, परमेश्वर आपको जरूर संभालता है सब बुरी चीजों से। एक चीज नहीं है दुनिया में, एक चीज बुरी नहीं है, हजार बुरी चीजें हैं, हजार बुरी चीजें। आप ऐसा मत सोचो कि कैंसर ही बुरा है, कैंसर जैसा बुरा है वैसा दमा भी बुरा है, वैसा कभी कभी बुखार जाता नहीं है, लोग बुखार से परेशान होते हैं। हालेलुया। बेरोजगारी, बच्चे नहीं है। कल मुझे एक औरत मिलने को आई थी, वो आई मिलने को इतनी रोती है, इतनी रोती है, मैंने कहा हो क्या गया है, वो बोलती मेरे पास बच्चे नहीं है। अरे भाई बच्चे है वो भी रोते हैं, बच्चे है वो रोते हैं, बच्चे सुनते नहीं इसलिए रोते हैं, बच्चे बिगड़ गए इसलिए रोते हैं, और ये औरत रो रही है उसको बच्चा नहीं इसलिए रो रही है, उसको मालूम नहीं बच्चा होने के बाद क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परेशान हो गया, क्यों रो रही इतनी, क्या कोई बीमार है, आईसीयू में है, आखिरी घटका है, मुझे पता नहीं है क्यों इतनी रो रही है। उसने कहा बच्चा नहीं है मुझे, मुझे बच्चा नहीं है, ए ब्रदर मुझे बच्चा नहीं है। हालेलुया, मैंने आशीष इतना बड़ा दिया, एक नहीं दस बच्चे हो जाए। हालेलुया। इतनी रो रही है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, संसार में हमें हजार चीजों की जरूरत है, केवल बीमारी से मुक्ति नहीं है, पूरी और चाहिए हमको, और कुछ चाहिए, मकान चाहिए, कितने लोगों के पास मकान नहीं है। फिर कभी हम जाड़े बन गए, लोग बोलते कितना जाड़ा बन गया, अरे पतला बन गया, अरे क्या पतला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे जाड़ा भी नहीं चलता दुनिया को, पतला भी नहीं चलता है, तो एकदम मिडल चाहिए, मिडल। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को कहता हूँ मेरे मुंह को संभालो, मेरे मुंह पे दाग नहीं आना चाहिए। मैं हजारों लोगों के सामने खड़ा रहता हूँ, मेरे मुंह पे दाग आएगा लोग ऐसे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मुझे क्या कहना है, परमेश्वर हजार चीजों में हमें संभालता है, एक चीज में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु संभालता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें संभालता है। कितने चीजों से संभालता है, दुनिया के हर बुरी चीजों से संभालता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, नीचे भी प्यार करेगा, धरती पर भी प्यार करेगा, ऊपर भी प्यार करता है। हालेलुया। मैं विमान में जब बैठता हूं तो क्या परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है,
जरूर करता है। कितना भी ऊंचा जाओ परमेश्वर प्यार करता है, कितना भी गहरा जाओ परमेश्वर प्यार करता है, कहां भी जाओ परमेश्वर प्यार करता है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे अनुभव आए परमेश्वर ने प्यार दिखाया है। परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी वचन पौलुस कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा तुम्हें बुलाया है वो परमेश्वर सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। He is trustworthy, He is trustworthy। उस पर आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास पात्र है, वो सच्चा है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, वो परमेश्वर सच्चा है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ही इज ट्रस्टवर्दी, वो आपको कभी नहीं फंसाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी कुछ कम नहीं रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, हमें समझना है पहली बात कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की है उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, और हमारे पापों का दंड जो है उसका पुत्र यीशु मसीह ने लिया है, तो हमें फिर दंड लेने की जरूरत नहीं है, हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु का स्वीकार करने के बाद हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कैसे आगे जा रहे हैं? हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो रहा है, हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान हो रहा है, हमें ज़्यादा जानकारी मिल रही है स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर की बातों के बारे में, परमेश्वर के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी मिल रही है, जिसको हम डिवाइन विजडम कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि परमेश्वर हमेशा हमें संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, उसके पुत्र का स्वीकार किया है, तो वो हमेशा हमें संभालता है। हालेलुया। और चौथी बात, हमारा पूरा विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें बुलाया है, वो परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, विश्वास पात्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। We have full confidence in God the Father who has sent his only begotten Son for our salvation. 100% confidence. Hallelujah. 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 कभी 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 नहीं छोड़ेगा, सब दिक्कतों से बाहर निकालेगा, सब संकटों से बाहर निकालेगा, और हमें हमेशा वो संभालेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। Hallelujah. अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।